हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमस्ते कनाडा। मैं हूं नीरज। अभी की जो वीडियो है इसका टाइटल है आई फॉट द डेडलीस्ट सी स्टॉर्म मर्चेंट नेवी बिग ब्रेन कंपनी, हिंदी वीडियो फीचरिंग करणवीर सिंह नैयर। ये बिग ब्रेन कंपनी यूट्यूब चैनल से है और इसकी रिकमेंडेशन हमें यश ने दी थी। तो वीडियो देखेंगे, साथ साथ अपने कमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाय गाइस, मेरा नाम करणवीर सिंह नैयर है। मैं एक सेलर हूँ मर्चेंट नेवी में। मर्चेंट नेवी बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कार्गो का एक कंट्री से दूसरे कंट्री, वो शिप्स के जरिए होता है और हम उसको नेविगेट करके लेके जाते हैं। अक्टूबर 2018, मैं फर्स्ट टाइम एक ऑफिसर बना था। उस समय में मेरे को एक शिप मिला था जो काफ़ी छोटा था, अराउंड 250 मीटर्स और समथिंग। एंड हमारा रूट ऐसा था कि हम जा रहे थे चाइना से वेस्ट अफ्रीका। तो ये पैसेज में हमें कवर करना था इंडियन ओशन। एंड व्हेन यू गो टू इंडियन ओशन, जब आप मैडागास्कर साइड पर जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा वेदर ख़राब ही मिलता है, स्पेशली इन द मानसून सीज़न। एंड ये बात है मानसून सीज़न के अराउंड, क्योंकि मेरा पहला वॉयज था एज एन ऑफिसर। एंड बाय दैट आई मीन कि मैं नेविगेशन जो ब्रिज होता है शिप का, उसमें 8 घंटे इंचार्ज होता हूँ विद द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग द शिप सेफ। तो इसमें एक एडवांटेज ये भी होता है कि आप अपने मर्जी से सेफली एक्शन ले सकते हैं, पर दूसरी चीज़ ये होती है कि कैप्टन जो होता है शिप का, ही इज़ ऑलवेज द हेड एंड द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर शिप। तो मुझे याद है कि मेरा कैप्टन था बर्मा से, बर्मा इज़ म्यांमार, एंड थोड़ा स्ट्रिक्ट बंदा था। तो मेरे को उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करना इतना पसंद भी नहीं था, क्योंकि मैं थर्ड ऑफिसर नया भी था तो काफ़ी मैं नर्वस भी होता था। एंड डर लगता था कि कहीं मैं उल्टा सीधा कुछ कर दूं तो सैक ना हो जाऊं या कोई मुझे डांट ना दे। अब मैंने जैसे आपको बताया, हम मॉनसून सीज़न में इंडियन ओशन पहुंच गए थे। जब आप डीप ओशन में होते हैं ना, तो एक स्वेल नाम की चीज़ होती है जो डीप ओशनिक मूवमेंट्स होते हैं, उसमें पूरा शिप गदर तरीके से हिल जाता है। तो हम लोग कोस्टिंग सक्सेसफुली करके निकल गए थे चाइना से, और वहाँ से सिंगापुर, सिंगापुर से मलाका स्ट्रेट, मलाका स्ट्रेट से हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के करीब से हम साउथ बाउंड मुड़ गए थे। आई रिमेम्बर अराउंड 8 डेज की जर्नी थी फ्रॉम अंडमान्स टू मैडागास्कर साइड। तो यहाँ पे ना एक फ्रीक वेव्स नाम की चीज़ होती है, यहाँ पे क्रॉस करंट्स होते हैं, हॉट करंट्स, कोल्ड करंट्स। तो इसका एक पैटर्न बन जाता है जो फ्रीक वेव्स जनरेट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 10-15 मीटर की वेव्स सडनली आ जाती हैं, और 10-15 मीटर बहुत ही बड़ा वो होता है हाइट फॉर अ शिप जिसकी हाइट खुद ही 50 मीटर होती है। सो आप सोच के देखिए, वो 10-15 मीटर कंटिन्यूसली स्लैम करे तो शिप की हालत क्या हो सकती है। सो हम अराउंड 7th डे पे मैडागास्कर के करीब पहुंच गए थे। अब मेट्रोलॉजिकल वार्निंग आई रिमेम्बर आई थी हमें सैटेलाइट के थ्रू कि एक ट्रॉपिकल लो डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। ट्रॉपिकल लो डिप्रेशन से मेरा मतलब ये है कि ना, प्रेशर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लो हो जाता है तो हाई प्रेशर से सारी विंड कन्वर्ज होने लग जाती है, इससे बन जाता है एक साइक्लोन। सो अब इंडियन ओशन से तो हम नीचे आ ही गए थे, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज होने लग जाता है, ठंडा होने लग जाता है, एंटार्क्टिक की विंड्स आनी स्टार्ट हो जाती है, हॉट करंट्स आ रहे होते हैं। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेनी मेनी कंडीशंस विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक वेव्स। आई रिमेम्बर रात का टाइम था, 8 से 12 मैं वॉच पे था, तब मैं थर्ड ऑफिसर था। एंड थर्ड ऑफिसर के शिफ्ट होते हैं 8 से 12 सुबह और 8 से 12 शाम को। तो 8 से 12 रात को मैं आया, और इससे पहले हमने सारे हेवी वेदर एक चेकलिस्ट होती है वो हमने प्रिपेयर कर ली थी कि अगर कुछ ख़राब हो जाए तो ऐसा हमने कुछ मिस आउट ना कर जाए पॉइंट जिससे डैमेजेस हो जाए शिप के, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारी लाइफ सेफ रहे। तो चेकलिस्ट ख़त्म होगी, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर हैवी वेदर। एंड 8 बजे मैं आया, वी वर रोलिंग एंड पिचिंग। तो रोलिंग बेसिकली लेफ्ट राइट मूवमेंट होती है, एंड पिचिंग होती है ऊपर नीचे मूवमेंट, ऐसे आगे से और पीछे से। सो नाउ चीफ ऑफिसर टोल्ड मी कि या वी आर फेसिंग हैवी वेदर एंड द वेव्स आर फ्रॉम द बाउ। अब बाउ क्या होता है, बाउ इज़ द फॉरवर्ड पोर्शन ऑफ द शिप। तो जब ऐसा कंडीशन होता है ना, तो आपकी वेसल स्लैम करने लग जाता है बहुत, तो उससे बहुत रेजिस्टेंस ऑफर होता है और आपकी स्पीड भी बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब शिप की स्पीड रिड्यूस हो जाती है ना, तो वो वेव्स को ब्रेक भी नहीं कर पाती, तो आप राइड करने लग जाते हो। नाउ हम लोग इंजन को काफ़ी स्पीड, काफ़ी मतलब आरपीएम पे रखा हुआ था, पर स्टिल वी वर डूइंग ओनली
8 to 9 नॉट्स, जबकि उस RPM पे हमें एटलीस्ट 18-19 नॉट्स करना चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा था। मेरे को ये सब इंस्ट्रक्शन मिली, कैप्टन के ऑर्डर्स मिले। कैप्टन ऑफकोर्स सोएगा नहीं, एंड देर इज़ अ सेइंग दैट अ गुड कैप्टन नेवर स्लीप्स अंटिल हिज शिप इज सेफ। तो वो भी उठा हुआ था, बट वो अपने कैबिन में था स्टैंड बाय, एंड मैं वॉच पे था विद माई वॉच कीपर और एक लुकआउट होते हैं। वॉच कीपिंग मैं पार्ट करता हूँ एंड लुकआउट मेरे को असिस्ट करता है टू चेक कि कोई आसपास शिप है तो उसके लाइट्स या और समथिंग लाइक दैट। एंड रात को प्रॉब्लम ये होती है कि वेव्स आपको दिखती नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स पिच डार्क है एंड स्टॉमी वेदर है, ओवरकास्ट स्काइज है, क्लाउडी पूरा एरिया है, सो यू कैन नॉट इवन सी द मून लाइट, सो यू आर ब्लाइंडेड। नाउ जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारे पास सर्च लाइट्स होती हैं ऊपर शिप पे, तो हम उसको ऑन करके चेक कर रहे होते हैं कि वेव का डायरेक्शन कैसे कहाँ से है। तो वेव का डायरेक्शन जहाँ से होता है वहाँ से पता लग जाता है कि विंड भी यहाँ से आ रही है और स्वेल भी तकरीबन पता लग जाता है कि यहाँ से आ रहा है। हमने सारे कंसल्टेशंस कर लिए फ्रॉम वेदर, फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, मैप्स, देन कंपनी, एवरीथिंग वॉज इंटैक्ट एंड वी वर गुड टू गो। वी हैड अवॉइडेड इट एज फार एज प्रैक्टिकेबल। एंड अनफॉर्चुनेटली उस रात को एक फ्रीक वे हमें हिट कर गई एट अराउंड 11 o'clock। बट इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब मैं 8 से 11 वॉच पे था, द वेव्स वर ओके, दे वर वी वर राइडिंग वेल, एंड कुछ ना सडन स्लैमिंग तेज़ हो जाता है तो हम ऑल्टर कर देते हैं कोर्स टू अवॉइड सच स्लैमिंग्स। तो ऐसा मेरे टाइम उस टाइम पे हुआ नहीं, आई मीन एवरीथिंग वर एज पर द प्लान। ये फिनोमेना है फ्रीक वेव्स का विच इज़ फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, काफ़ी शिप्स सिंक हुई हैं इस वजह से कि सडनली इस फिनोमेना के वजह से इतनी ऊंची वेव आ जाती है कि आपके पूरे शिप को वो कैप्साइज कर सकती है। कैप्साइज का मतलब ये होता है कि टॉपल कर सकती है। तो आपने टाइटैनिक तो देखी होगी, वो टूट जाती है हाफ में या सीधा नीचे चले जाती है पानी के सी बेड पे। एक और आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि टाइटैनिक जैसी शिप और जिस शिप पे मैं काम करता हूँ वो बहुत ही अलग है। टाइटैनिक इज़ अ पैसेंजर शिप एंड कार्गो शिप्स आर मेंट टू कैरी कार्गो एज यू नो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो आई वॉज ऑन अ कार्गो शिप। 10 बज रहे थे एंड आई स्टिल रिमेंबर क्लियरली कि रेडार पे ना पिक्चर्स भी दिख जाती हैं कि वेव्स ब्रेक हो रही हैं, तो वो रेडार पे दिख जाता है, उसको एक फिनोमेना कहते हैं, वो क्लटर होता है। तो उससे मैं मॉनिटर कर रहा था कि कितना क्लटर बढ़ रहा है नहीं, एंड लाइक आई टोल्ड यू एवरीथिंग इज फाइन, कैप्टन आए 10 o'clock, इज लाइक ऑल ओके एंड होपफुली डे आफ्टर टुमारो द वेदर विल बी फाइन। बाय द वे इन द साउथ अफ्रीका रीजन द वेदर इज ऑलवेज चॉपी, एंड वहाँ पे एक बहुत बड़ा लेजेंड भी है ऑफ द डच गोस्ट शिप, उसके बारे में और पढ़ना, काफ़ी स्टोरीज हैं इसके बारे में। सो 10 o'clock ही केम, देखा सब ऑल गुड, एंड लाइक आई टोल्ड यू 11 PM एक इतने जोर का झटका आया कि शिप की स्पीड पहले 8 नॉट पे थे हम, इट वेंट टू 2 नॉट्स। इतना ड्रास्टिक जब चेंज आता है मतलब आप सीरियसली एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस में पड़े, एंड दैट स्लैम। तो आपको एक विजुअल वे में बताऊंगा, जैसे शिप का लेंथ 200 मीटर्स है फ्रॉम वेयर आई एम स्टैंडिंग, तो आप सोचिए 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर वेव सामने टकराई है और आपके तरफ आई है, सो यू कैन इमेजिन द फोर्स। आई सॉ दैट, आई सॉ द स्प्लैश एंड आई न्यू कि एक फ्रीक वेव हिट किया, बिकॉज इससे पहले दिन हमने एक मीटिंग भी रखी थी कि ये सब होता है, सो बी वेयर, एंड देयर इज नथिंग मच वी कैन डू अबाउट इट, इट इज़ नेचर एंड वी कैन नेवर प्ले विद नेचर और अवॉइड इट, बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट विल फ्लो। सो हिट किया, कैप्टन आया भागते भागते, ओनली थिंग वी वर स्कैर्ड वॉज कि कहीं शिप बकल ना हो गई हो। अब बकल का मतलब मेरा ये है कि सामने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो अगर वो स्ट्रक्चर्स बेंड हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज द स्टेबिलिटी, द स्ट्रेसेस, द बेंडिंग मोमेंट्स, द टॉर्शन मोमेंट्स ऑफ द शिप्स गेट डिसरप्टेड। नाउ व्हेन सच अ थिंग हैपेंस इट कैन क्रैक एंड यू कैन गो डाउन इन द वॉटर, एंड ऑफकोर्स खुदा ना खास्ता कभी हो, बट मर भी जाते हैं ऐसे लोग, काफ़ी सेलर मर भी जाते हैं, स्टिल इट हैपेंस, एंड इसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी बने हैं, एंड द सेफ्टी इज टॉप नॉच नाउ, लाइक इट इज वे मोर सेफर than driving around in the streets of Mumbai or Delhi perhaps, but once shit happens you will go down. Of course you have life boats and rescue boats and life rafts, but in a weather condition जो ऐसा था, कभी मेरे को एक्सपीरियंस नहीं हुआ है और कभी करना भी नहीं है, बट वो छोटी सी बोट और 15 मीटर की वेव आप समझ सकते हैं क्या आएगा आगे। सो फ्रीकर हिट किया, नाउ देयर इज अ प्रोटोकॉल
that whenever there's heavy weather, nobody is allowed to go out on the deck. Deck क्या होता है? जो main platform होता है जिसपे हम चलते हैं ship पे. तो हम बाहर भी नहीं जा सकते और हमें आवाज़ भी आने लगी थी कुछ अजीब सी कि जैसे कुछ लूज हो गया है. तो जब हम ब्रिज पे होते हैं ना तो ब्रिज के साइड पे विंग्स होते हैं तो वहाँ से जाके आप सुन सकते हो बिकॉज दैट इज़ कंपैरेटिवली सेफ. आप डेक पे नहीं होना चाहिए बिकॉज वेव्स कैन कम एंड टेक यू आउट. सो हमें लगा कि कुछ तो टूट गया या कुछ लूज हो गया एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि कैप्टन लोग पे कितना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. द कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर शिप इंक्लूडिंग द कार्गो. समथिंग गोज रॉन्ग he will be blamed or he might even go to the jail. So I saw him getting a bit frustrated, panicky because you cannot go out also. Jis captain se mujhe dar lagta tha, ab wo khud hi dar rahe the. So I realized what is the reality actually. Aap kisi bhi human se jhagda kar lo ya gussa ho jao, but nature jab aap se gussa ho jaye, to aap human to kuch nahi uske samne. So ek mere dimag mein wo bhi chal raha tha. But at the same time I was more worried that I have to help the captain in whatever way possible. And keep ourselves alive and of course keep the ship's cargo safe and the environment protected too. मैं एक बजे तक ऊपर रहा देखने की क्या हो रहा है क्योंकि मेरे लिए एक्साइटिंग भी था क्योंकि पहली बार ऐसे जो आप मूवी में देखते हो ना वैसे ही हो रहा था. इट वॉज हॉरीफाइंग टेरीफाइंग एट द सेम टाइम एक्साइटिंग बिकॉज मैं न्यू भी था एंड आई हैव नेवर सीन सच थिंग्स आई डोंट वॉन्ट टू ऑल्सो एनी मोर बट आई वॉज देयर टिल 1 AM इन द मॉर्निंग विद द सेकेंड वेव. और लकीली वो एक ही फ्रीक वेव हमें इनकाउंटर हुआ एंड उसके बाद दे वर नॉर्मल वेव्स विच आर हाई इनफ टू कीप स्लैमिंग बट नॉट दैट ह्यूज वेव विच आई सॉ. एंड जब वो स्प्लैश हुआ था ना जैसे मैंने आपको बताया ब्रिज विंग्स तक तो आया बट उसका जो वेक था इतना जोर से स्प्रेड आउट हुआ कि पूरा शिप एक वाइब्रेट लाइक इट जस्ट वाइब्रेटेड लाइक ऐसा लगा कि प्रोपेलर भी टूट गया विच फॉर्चुनेटली डिड नॉट हैपन बिकॉज दीज डेज द शिप्स आर कंस्ट्रक्टेड with good material, not like the old time jo wooden boats thi and so many lives must have been lost because of these wooden boats because inka construction is not so strong and the technology now what we have is pretty decent. To raat ko main sone gaya try kiya so nahi paya because jab aap suppose aise longitudinally so rahe hain matlab forward aft mein aur aapka ship left right move kar raha hai to aap bed pe bhi left right move kar rahe hain to aap sone ki koshish karenge but aapki movement ship ke na आपको हिलाते रहेंगे सारा टाइम. सो आप सो भी नहीं पाएंगे और आप सी सिक भी हो जाते हैं. तो जब ये सी सिकनेस होती है ना तो ना आदमी सो सकता है ना खा सकता है ना पी सकता है और वैसी होगी मेरी हालत रात के 1 बजे नीचे जाके. एंड द होल नाइट आई वॉज अवेक आई ट्राई टू स्लीप अथवॉर्डशिप होता है कि आप लेफ्ट राइट फेसिंग सो तो वो भी ट्राई किया मैंने नहीं हुआ. और अपनी मम्मी को मैंने मैसेज भेज दिया था कि थोड़ा हम स्टॉर्म में फंस गए बट ऑल विल बी ओके क्योंकि डर तो था कभी देखा नहीं है तो कुछ भी हो सकता था. विच अब तो आई एम अ सीजन सेलर आई हैव सेल्ड फॉर 6 years सो आई हैव गैदर्ड दैट मच एक्सपीरियंस कि अब इतना डर नहीं लगता बट दिस वॉज माई फर्स्ट शिप एज एन ऑफिसर सो ऑफकोर्स डर तो लगेगा एंड ऑफकोर्स मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बिकॉज आई हैव 1 stripe ऑन माई शोल्डर दैट सिग्निफाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड या दैट हैपन्ड. सुबह उठा वेदर थोड़ा सा क्लियर हुआ बट पूरी रात ऐसी गई अगली भी. नेक्स्ट डे व्हेन वी रीच केप ऑफ गुड होप विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस वहाँ के टेबल टॉप माउंटेन्स होते हैं काफ़ी सुंदर जगह है. ब्लू वाटर्स वेल्स दिखी वहाँ पे मुझे डॉल्फिन दिखी एंड द होल मूड वॉज ब्राइटन्ड अप. सो आई वेंट आउटसाइड टू चेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर द फायर फाइटिंग अप्लायंसेज बिकॉज अगर कुछ टूटेगा तो मुझे ही फिक्स करना है वो. तो सब कुछ ठीक था कार्गो वॉज सेफ एंड द शिप स्ट्रक्चर्स वर ओके बट स्टिल वॉट द नेक्स्ट थिंग वॉज दैट वंस वी रीच अ पोर्ट क्योंकि हम शिप के बाहर नहीं देख सकते हम शिप के अराउंड ऊपर ही देख सकते हैं क्योंकि वो नीचे को होता है. तो अंडर वाटर इंस्पेक्शन भी कराए कि कहीं कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो गया है जैसे मैंने आपको कहा बकल ना हो जाए. हमने साउंडिंग्स ली साउंडिंग्स मतलब डेप्थ्स ली टैंक्स की कि उसमें पानी तो नहीं भर गया है क्योंकि पानी भर रहा है मतलब कहीं से क्रैक हो गया है. सो ये एक स्केरी एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था क्योंकि आप लोग शायद जानते नहीं होंगे पर 80-90% जो कार्गो है वर्ल्ड का ना वो शिप से आता है और उसको चलाने वाले कुछ 20-25 लोग ही होते हैं एक छोटी सी शिप पे कंपैरेटिवली छोटी क्योंकि समुंदर बहुत बड़ा है और उसके सामने बड़ी सी बड़ी शिप ले आओ वो छोटी रहेगी. एंड सी फेयर उसको रिकग्नाइज नहीं करा स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडमिक विच एक्चुअली गॉट मी टू मेकिंग माई ओन चैनल इन विच आई शो माई लाइफ एट सी सीरीज
अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो, मैं अपना पूरा कवर करता हूँ, शिप पे क्या होता है, शिप पे कैसा दिखता है, काम क्या होते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी मेरी। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, और ये तो फिर भी विद अ फेवरेबल आउटकम। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स एज वेल, विच आई विल नॉट टॉक अबाउट। या अगर आप कभी इंटरेस्टेड हो सेलिंग में, इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोफेशन। यू गेट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, कॉन्कर द 7 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, बट इट कम्स एट अ कॉस्ट। द कॉस्ट इज योर फैमिली लाइफ, योर ओन लाइफ एंड आइसोलेशन। थैंक यू। वंडरफुल स्टोरी थी, मज़ा आ गया। मैं तो पूरे ध्यान से सुन रहा था क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मेरी एक फैसिनेशन है ओशन के साथ, और शिप्स की वीडियोस मैं बहुत देखता हूँ कि कैसे जो है वो सेलिंग होती है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है ट्रांसपोर्ट होती हैं। मैं कभी ये शिप पे गया तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बहुत है। मैंने शिप बिल्डिंग की बहुत वीडियोज़ देखता हूँ, शिप कैसे ट्रैवल करते हैं, नेविगेशन कैसे होता है और ये कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये सब देखने में बहुत मज़ा आता है। और उसके साथ साथ इसका एक ये वाला एस्पेक्ट भी है कि जब स्टॉर्म आ जाए तो उसकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं और वो कंटेनर्स तक को जो है वो जो इन्होंने बांधे होते हैं वो कई बार उनको भी तोड़ देती हैं और बहुत डेंजरस रहता है। तो मैं पहले सोचता था कि अभी के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि आप सिमुलेशंस करते हैं, जब ये शिप डिज़ाइनिंग प्रोसेस होता है तो उसमें आप कंप्यूटर सिमुलेशंस करते हैं और उसमें आप स्टॉर्म्स की सिमुलेशन और बाकी सारे जो भी आपके साथ नेगेटिव हो सकता है एक एक्चुअल इन्वायरमेंट में, उसको आप सिमुलेट करके देखते हो और फिर देखते हो कि इसका जो रडर है वो तो नहीं टूट जाता, इसकी बॉडी में डिफॉर्मेशंस तो नहीं आ जाती, और जैसे जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने हाईलाइट की उनमें से काफ़ी सारी आप सिमुलेशन करके आप देखते हो कि जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और जो शिप का स्ट्रक्चर है वो इन सब जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं इनको हैंडल कर भी सकता है या नहीं कर सकता, फिर ही आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो। तो ये सब चीज़ें आज अवेलेबल हैं, लेकिन मैं जब ये वीडियोस वगैरह देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जब पिछले ज़माने में लोग वुडन बोट्स बना के, जैसे इन्होंने अटलांटिक जो है वो क्रॉस किया था और बाकी सारे जो भी वॉयजेस हुए हैं, जो फेमस वॉयजेस हैं जिनके थ्रू जैसे इंडिया तक वॉयज किया गया और बाकी और भी बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो डिस्कवर किए गए इन वॉयजेस के थ्रू, उस समय पे कितना डिफ़िकल्ट होगा। यहाँ पे भी कनाडा में भी हडसन बे बहुत फेमस है इन वॉयजेस के लिए, तो उस समय पे जहाँ पे नेविगेशन के लिए आई थिंक मोस्टली कंपस ही अवेलेबल थी और बाकी आपकी इंट्यूशन और कम्युनिकेशन के इतने ज़्यादा साधन नहीं थे, जैसे अभी तो रडार और सोनार सिस्टम्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं इंस्पेक्शन पर्पजेज़ के लिए और नेविगेशन पर्पजेज़ के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी अवेलेबल है, लेकिन उस समय पे कम्युनिकेशन कितना मुश्किल था और लोगों ने तब भी नेविगेट किया और इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में नेविगेट करके पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया। तो वो देखना हमेशा मेरे लिए तो एक फैसिनेशन ही है, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से नहीं हूँ, आई कैन जस्ट अप्रिशिएट फ्रॉम द आउटसाइड कि ये कितनी टफ जॉब है और इसमें कितना डिफ़िकल्ट रहता है एक सेलर के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना, और हमें गुड्स एंड सर्विसेज सभी मिल जाती हैं। और मैं एक चीज़ शेयर करूं पर्सनल, मेरा कज़न भी इसी फील्ड में है, वो मुझे लगता है ये वीडियो भी देखेगा और वो भी जाता होता है सामान लेके कभी कहीं अफ्रीका वहाँ साउथ अमेरिका से लेके यहाँ यूरोप में जाना है कभी किसी और डायरेक्शन में, तो इस तरीके से उसकी वीडियोस भी मैंने काफ़ी देखी हैं जब जो शिप है वो रोल करता है। तो एक बार उसने बताया था कि 15 डिग्री की रोलिंग है, हम यहाँ पे घूम रहे हैं और उसके घर का सारा उसके कमरे का सारा सामान बिखर गया था। तो ये देखने में फैसिनेटिंग लगता है दूर से, लेकिन वहाँ पे रहने वाले वहाँ पे जो असली स्टॉर्म में फंसा हुआ है जिसको पता है कि अभी चलो कैप साइज़ तो नहीं होती यूजुअली आज की ज़माने में शिप्स, लेकिन आप नेचर को जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते, फाइनल डिसीजन मेकर तो नेचर ही है इसमें, लेकिन उसको देखने में बहुत डर लगता है, बंदा आराम से खड़ा नहीं हो सकता, खा नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, एंड आई एम ग्लैड कि इन्होंने ये चैनल बनाया ताकि जो भी एस्पायरिंग मर्चेंट नेवी या सेलर इन सब प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं तो उनको जो है काम की रियलिटी और वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस और बाकी सब चीज़ें जो है वो पता चल सकें।
ऑल दो यू कैन कॉन्कर 7 ओशंस, लेकिन आपको उनकी कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है, क्योंकि ये 6-6 महीने जो है वो शिप के ऊपर रहते हैं, और फिर वहीं पे खाना पीना, वहीं से जो बात करनी, और अपनी शिफ्ट जो है तो जैसे 8 से 12 इन्होंने बताया वो अटेंड करनी. तो इट्स अ डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग लाइफ, लेकिन चैलेंजिंग प्रोफेशन, हर कोई प्रोफेशन चैलेंजिंग ही है, हर प्रोफेशन की अपनी कॉस्ट है, लेकिन ये इस प्रोफेशन की एक बढ़िया बात ये भी है कि आपको ब्यूटीफुल नेचर देखने को मिलती है, लेकिन रात को बहुत डर लगता होगा. मैंने एक्चुअली नाइट की कोई वीडियो देखी नहीं, मैं अभी सोच रहा हूँ कि इन्होंने बताया कि वो रात को जब जाते हैं तो आपको बड़ी बड़ी वेव्स नज़र भी नहीं आती, तो वो तो बहुत ही स्केरी है, क्योंकि रात को मैंने कई बार यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में बहुत लंबा लंबा ट्रैवल किया हुआ है हमने, और ऐसी ऐसी रोड्स पे ट्रैवल किया है यहाँ पे बिल्कुल एक भी जो है वो लाइट भी अवेलेबल नहीं है, तो पिच डार्क होता है, कोई जानवर इधर से रोड की साइड से दूसरी तरफ जा रहा है वो भी नहीं दिखाई देता, और आप सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट होते हो अपनी कार की हेडलाइट पर, तो उसमें इतना डर लगता है. तो ये तो फिर ओशन है, यहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है, और वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आ जाएँ तो डर तो लगता है. बट एनीवेज, आई होप कि सारे सेलर्स जो है वो बढ़िया तरीके से अपना काम करते रहें, फिट रहें, और ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं इनको हैंडल करने के लिए और बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी आए, ताकि इसकी डिटेक्शन जो है, अभी मटेरियल साइंस और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी तो काफ़ी एडवांस है, लेकिन ये इन इवेंट्स की डिटेक्शन, नो डाउट कि वेदर फॉरकास्टिंग भी बहुत अच्छी हो चुकी है और बाकी सब चीज़ें भी बेटर हैं, लेकिन स्टिल इसकी जो और भी एडवांस्ड वार्निंग्स अगर हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. और आई थिंक इन फील्ड्स में भी काम हो रहा है, और इनके और इनके लिए और भी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो डेवलप होंगी, ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं वो और भी बेटर किए जा सकें और भी एफिशिएंट किए जा सकें. आई थैंक हिम फॉर शेयरिंग हिज स्टोरी विद अस, और मज़ा आया. बिग ब्रेन को डॉट YouTube चैनल ने ये वीडियो हमारे साथ हमारे लिए प्रेजेंट की, बहुत मज़ा आया देख के. उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये स्टोरी सुन के और मेरे विचार सुन के अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको थम्स अप ज़रूर कीजिए. और यश ने ये वीडियो रेकमेंड की थी, तो थैंक्स टू हिम, आपने ये वीडियो रेकमेंड की तभी हम ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो सुन पाए. आपकी कोई भी फरमाइश है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिए, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप अपनी वीडियो का URL पेस्ट कर सकते हैं. ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए. अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचा सके. तो चलिए, मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय.